हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं टू टायर केक बनाऊंगी पाइनएप्पल फ्लेवर का एनिवर्सरी के लिए। तो उसके लिए मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर के अपनी ब्रेड जो है वो बेक कर ली है। उसके लिए मैंने 5.5 इंच का टिन लिया था और एक लिया था 3.5 इंच का। तो बस उसको मैंने अच्छे से बेक कर लिया है और क्रीम को व्हिप करके उसमें मिला लिया अपना पाइनएप्पल एमल्शन। और बस फिर उसके बाद मैंने बोर्ड पे क्रीम लगाई, अपने पानी और क्रश की हेल्प से उसको अच्छे से सोक कर लिया है। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे क्रीम। क्रीम में अगर आप एमल्शन डालते हो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इस वजह से मैं बेस में भी और क्रीम में दोनों में ही यूज़ करती हूँ। और क्रश और पानी का जब मैं सोक करती हूँ तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मतलब हर तरह से आपको फ्लेवर मिलता है, तो मतलब उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं सारे फ्लेवर्स का यूज़ करती हूँ। तो बस बेस पे मैंने डाल दिया है अपना क्रीम। क्रीम को कर लेंगे अच्छे से स्प्रेड। स्प्रेड करने के बाद उसको साइड से भी इवन कर लेंगे और उसमें डाल देंगे अपना क्रश। क्रश को भी आपको अच्छे से डालना है जिससे आपको जो है हर तरफ से फ्लेवर आप दे सकें अपने कस्टमर को। तो उसमें आपको अच्छे से फैला देना है क्रश को। उसके बाद अपनी दो लेयर जो है अपने ब्रेड की वो फिर से उसके ऊपर रख के असेंबल कर देना है। उसके बाद आपको ये अगर टाइम हो तो आप फ्रिज में ज़रूर रखें, क्योंकि टू टायर केक है तो फ्रिज में रखना बहुत ही ज़रूरी है सेट होने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने ले लिया अपना 3.5 इंच वाला, 3.5 या 3 इंच का है टिन। ये घर का बर्तन है तो इसलिए मैंने उसको मेज़र नहीं किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट काफ़ी छोटा बर्तन था। ठीक है, मेरे पास इस साइज़ का टिन नहीं था तो मैंने घर के बर्तन में ही बेक कर लिया था। फिर उसको भी जैसे मैंने अपना बड़ा वाला केक को अपना असेंबल किया है, उसी तरह से मैंने अपना छोटा वाला भी केक को असेंबल कर लूँगी। अब असेंबल करने के बाद वैसे ही सेम प्रोसेस में अपना क्रीम लगाया, क्रश लगाया और उसके ऊपर भी अपनी तीनों लेयर सेट कर दी। सेट करने के बाद आप इसको अलग, क्योंकि ये बहुत छोटा था तो मैंने इसको बोर्ड पे नहीं, मैंने इसको टर्न टेबल पे ही बनाया था, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो टर्न टेबल पे बना के फिर उसको भी मैंने एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके उसको रख दिया फ्रिज में। और मैंने जो दूसरा बड़ा वाला केक बनाया था वो वाला फ्रिज से निकाल के अब उस पर मैं करूँगी वाइट क्रीम से फाइनल आइसिंग। वाइट क्रीम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर लगाना है फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और नीचे साइड में बर्गंडी कलर का मुझे शेड देना है। तो बर्गंडी कलर मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनली बहुत पसंद आया, और बाकी कलर्स तो मुझे इतने नहीं पसंद आए, बट बर्गंडी कलर जब से मैं लाई हूँ मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है बर्गंडी कलर, और मैजिक का तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैजिक के ही कलर्स मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो बस ऊपर की सरफेस पे लगा के क्रीम को और प्लेन कर दिया है। अब साइड वॉल्स पे लगा के स्क्रैपर से उसको इवन कर दूंगी। और अगर आपको फर्स्ट टाइम नहीं होता है तो आप 2-3 बार में उसको कर सकते हो, बट हाँ इस गर्मी में आप ना किचन में काम ना करके अगर आपके पास एसी रूम में आप करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें क्रीम जो है आपकी टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है, तो काम करने में मज़ा आता है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो इस टाइम रूम में ही काम करती हूँ, क्योंकि आप देखते होगे बैकग्राउंड कैसा है, किचन में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ही गर्मी होने लगी है इस वजह से। तो देखिए मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। अब साइड में हल्का सा अनइवन लग रहा था तो उसकी वजह से भी मैं उसको साइड से अच्छे से स्क्रैप कर रही हूँ। और ये केक था एनिवर्सरी का, और ये केक मेरे घर का ही था, मतलब मेरे फैमिली में ही किसी की एनिवर्सरी थी तो मैंने उनके लिए बनाया था। वहाँ केक सबको बहुत पसंद आया, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। तो देखिए मैंने बर्गंडी का मैजिक का बर्गंडी कलर ले लिया है और पैलेट नाइफ में, और नीचे साइड में ऐसे डॉट डॉट करके मैं लगा दूँगी, उसके बाद स्क्रैपर से अच्छे से उसको स्क्रैप कर दूँगी। और आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि कलर कहीं डार्क और कहीं लाइट रहेगा, तो ये मत देखिएगा कि लाइट है इवन आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, शेड है तो थोड़ा सा लाइट और डार्क तो होना ही है। तो आप देख सकते हो अच्छे से मैंने कर दिया इसको स्क्रैप।
इसी तरह से फिर इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, तो थोड़ा सा और ये ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं ले लूँगी छोटा वाला फ्रिज से निकाल के, छोटा वाला अपना जो केक है उसको मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं कर दूँगी इसमें भी अच्छे से फाइनल आइसिंग इसकी, ऊपर वाइट क्रीम। इसको भी सेम उसी तरह से मैं वाइट क्रीम से ही कवर करूँगी, क्योंकि ऊपर का और नीचे का मुझे सेम रखना है, क्योंकि दोनों में मुझे फ्लावर्स ही लगाने हैं। तो बस क्रीम डाल के अच्छे से कर दिया है, ऊपर थोड़ा सा क्रम्स लगे हुए थे तो मैंने हटा दिया। ऊपर क्रीम लगा के मैंने अच्छे से उसको जो है कर दिया है, फैला दिया है उसको। और आपको अगर ऐसे पैलेट नाइफ से दिक्कत होती है तो आप जो बिगनर्स हैं वो पाइपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से हो जाता है। बट मुझे ना थोड़ा सा वो उससे मैसी मैसी हो जाता है, इसलिए मैं पैलेट नाइफ़ का ही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर फैला दिया है, सेम उसी तरह नीचे क्रीम लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से उसको कर देंगे क्लीन। क्लीन करने के लिए स्क्रैपर का ही यूज़ करते हैं, और मैं ज़्यादातर प्लास्टिक वाले स्क्रैपर का ही यूज़ करती हूँ। मुझे मेरे पास जो स्टील वाला स्क्रैपर है मुझे वो अच्छा तो लगता है, बट वो बड़े केक के लिए तो सही है, पर छोटे केक के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, मतलब वो काफ़ी कैरी करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपना वाइट वाला जो छोटा वाला स्क्रैपर है वही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से कर लिया, साइड वॉल्स में क्रीम मैंने स्प्रेड कर दी है। अब इसको अच्छे से कर दूंगी अपने स्क्रैपर से, इसको क्लीन करना है मुझे। और स्क्रैपर से जब आप क्लीन करते हो तो आपको ना स्क्रैपर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और अब हल्का सा अपनी तरफ बेंड करना है, स्ट्रेट करके हल्का सा अपनी तरफ बेंड करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इसका जो क्या बोलते हैं फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाती है, मतलब एक दो बार में आ जाती है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको कैसे सूटेबल लग रहा है, आप वैसे करिएगा, क्योंकि करने से ही प्रैक्टिस आती है। आप जैसे जैसे करते रहोगे फिनिशिंग, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है। तो ये देखिए मैं अब इसको इसमें फ्लिप करूँगी, तो अब देखिए यही सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। तो ये देखिए मैंने इसको उठा लिया है पैलेट नाइफ से ही, क्योंकि छोटा केक था तो आसानी से पैलेट नाइफ़ से ही मैंने इसको फ्लिप कर दिया। अब देखिए पैलेट नाइफ मेरा केक से थोड़ा आगे निकला हुआ है, अब यहाँ पे होगी गड़बड़। गड़बड़ ये होगी कि वो क्रीम हो जाएगी नीचे साइड में, अनइवन हो जाएगी। तो अब इसको हमें कैसे हाइड करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया है फ्लिप, अब ये देखिए हो गया है गड़बड़, गड़बड़ हो गया है। तो अब इसको हाइड करने के लिए मैं करूँगी यहाँ पे फ्लावर्स का यूज़, फ्लावर्स का यूज़ करूँगी। उससे पहले मुझे बनाना है दोनों केक पे बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए देखिए मैंने ये नोज़ल लिया है, ये थोड़ा सा लीफ टाइप का ही है नोज़ल, तो मैंने वाइट क्रीम डाली है और पाइपिंग बैग में कर लिया था हल्का सा बर्गंडी कलर। क्रीम में मैंने नहीं डाला है, पाइपिंग बैग में ही मैंने डाला है, ठीक है। तो देखिए ऐसे मैं बना लूँगी इसका बॉर्डर, जैसे मैंने नीचे बनाया है सेम वैसे ही मैं बना दूँगी ऊपर वाले केक में। फिर उसके बाद आप चाहो तो ऐसे जैसे मैं वाइब्रेट करके बना रही हूँ, आप चाहो तो एक एक करके भी बना सकते हो, वो भी पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। मुझे ध्यान नहीं रहा, बल्कि वो पैटर्न मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो देखिए बन गया है बॉर्डर। अब जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है केक में, अब उसको करूँगी इस फ्लावर से हाइट। तो अब जहाँ पे गड़बड़ हुआ है वहाँ पे लगा दूँगी फ्लावर, और एक फ्लावर लगा दूँगी मैं ऊपर साइड में, तो उससे क्या होगा पता भी नहीं चलेगा और केक का डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। तो एक फ्लावर मैंने यहाँ लगा दिया है और एक फ्लावर मैं लगा दूँगी ऊपर साइड में। वो कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया था तो आपको दिखा नहीं। अब इसी के साथ जो लीव्स वगैरह थी मैंने वो लगा दी हैं। अब मेरे पास जो छोटी वाली स्प्रिंकल थी वाइट कलर वाली, उसको मैं डाल दूंगी जहाँ पे स्पेस खाली है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए मैंने डाल दी है। तो
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।